एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी ज़रूरत को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थर से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं है, यहाँ प्यार दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हम हमेशा तुम्हारे प्यार क्या है और तुम्हारी देखभाल की है और यह पैसे से भी अधिक कीमती है। रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने के वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, ना कि हमेशा और अधिक चीज़ों के चाहत रखने से।